हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। रोहित शेट्टी डायरेक्टर सूर्यवंशी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मेरे साथ इस वक्त मेरे वाइस मैन बॉबी जी, वो हमको बताएं कि उनको ट्रेलर एंड ऑफकोर्स अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह कैसे लगे। बॉबी जी, वेलकम टू बॉलीवुड वाला। सबसे पहला सवाल, 24 मार्च को स्क्रीन विन फटेगा या नहीं फटेगा, आग लगेगी नहीं लगेगी, क्या लगता है आपको? 24 मार्च को बॉक्स ऑफिस पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। क्या बात है। सूर्यवंशी इज अ सुपर ब्लॉकबस्टर। क्या बात है। बॉक्स ऑफिस का बाप गारंटी कुमार अक्षय कुमार और एंटरटेनमेंट का किंग रोहित शेट्टी, कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू ब्लास्ट द बॉक्स ऑफिस। क्या बात है। धमाका मचने वाला है। धमाका धमाका मचने वाला है। ऊपर रणवीर सिंह और अजय देवगन का तड़का, आई डोंट नो, जो फर्स्ट डे है इतना धमाका मच, सब जगह हाउसफुल का बोर्ड लगने वाला है। इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट ओपनर ऑफ अक्षय कुमार करियर। क्या बात है। ट्रेलर देखिए आपने, 4 मिनट का ट्रेलर है, कैसे लगा आपको? एकदम धमाका ट्रेलर। ओके। एक्शन डायलॉग, जो डायलॉग मारा अक्षय कुमार, एंट्री का देखिए, हेलीकॉप्टर से निकलता है वो एंट्री, रणवीर सिंह का एंट्री पूरा सब दरवाजा तोड़ के, और अजय देवगन की जो लास्ट में एंट्री बताइए, फाड़ दिया। आउटस्टैंडिंग। पूरा पर्दा फाड़ देगा, एसी कूलर पंखे ट्यूबलाइट सब फट जाने वाले। इतनी सीटियाँ, इतनी तालियां बजेंगी तीनों की एंट्री पे। जो डायलॉग मारा अक्षय कुमार ने कि मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देख के गोली नहीं चला दी, क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के ठोक देती है। जो लास्ट में डायलॉग मारा है कि जिस गोली से तुम मरेगा उसमें बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। अरे पब्लिक तो जो सीटियाँ बजाने वाले, फाड़ देगा पर्दा अक्षय कुमार। एक्शन कैसे लगा? अरे रोहित शेट्टी है तो एक्शन तो ऑब्वियसली जबरदस्त होना ही चाहिए, और ऊपर अक्षय कुमार इज एक्शन किंग, अजय देवगन में एक्शन किंग है। हाँ। तो इनका कॉम्बिनेशन, ऊपर रणवीर सिंह भी है। हाँ। तो मतलब इट्स एन आउट मसाला एंटरटेनर, आउट एंड आउट मसाला, पूरा धमाका मसाला, पैसा वसूल। जो एक जमाने में जो रियल एंटरटेनर होते थे ना, डायरेक्टर मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, यश जी, बी आर चोपड़ा, राजकुमार कोहली, दे वो द रियल एंटरटेनर। तो वैसे रियल एंटरटेनर अभी है ही नहीं, बहुत चार या पांच लोग ही है। okay. जैसे एक तो रोहित शेट्टी है, पंडित साजिद खान, okay. और डेविड धवन जी है, okay. फराह खान जी है, और एक राजकुमार ईरानी है। okay. ये चार पांच लोग है, इनका ब्रांड है, ब्रांड। uh-huh. इनके नाम से लोग फिल्म देखने आते हैं, तो उनको पता है इनकी फिल्मों में ये सब होना ही है। दे आर अ रियल एंटरटेनर। तो ये रोहित शेट्टी सूर्यवंशी इज द रियल एंटरटेनमेंट, द रियल सिनेमा बोलते ना, एंटरटेनमेंट वही ऑडियंस को मिलेगा, एंड इज गोइंग टू ब्लास्ट द स्क्रीन। क्या बात है। 24/7 दिखा रहे हैं। तो खाली प्रॉब्लम है कि ऑड डे को लग रही है, ट्यूजडे को लग रही है पिक्चर आई थी। ओके। बट आप देखेंगे फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में 6 बजे शुरू होते, मैं 6 बजे एक घंटे पहले ही पहुंच जाने वाला हूँ। और उसके बाद तो गुड़ी पड़वा है, तो ऑब्वियसली गुड़ी पड़वा है, तो कलेक्शन मिल्स का है। लेकिन मतलब कभी भी लगे अक्षय कुमार कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इज गारंटी कुमार, तो उनकी पिक्चर तो हिट ही है। okay. बोलने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैं आपको फिल्म के रिलीज के बाद ही पूछता हूँ बॉक्स ऑफिस के बारे में, इस बार कितना प्रेडिक्ट करेंगे ट्रेलर देखने के? 250 और 300 करोड़ के अंदर तो करी लेगी। 250 और 300 करोड़ तो पास डेफिनेटली करेगी। बिटवीन 250 और 275 करोड़ के अंदर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ओके बॉबी जी, शायद फिल्म देखिए पता चले कितना जाएगी आगे, वो तो फिल्म देखिए पता चलेगा। 250 तो डेफिनेटली है। बॉबी जी शायद आपका मोबाइल बज रहा है, बॉबी जी इज ऑल्सो वॉन्टिंग टू रश, इज वेटिंग फॉर द 24th of March जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस। बट बॉबी जी जाने से पहले, आउट ऑफ 5 कितना देंगे ट्रेलर को आप? ट्रेलर को 5 में से 5 दूंगा। व्हेन एवर द बुकिंग स्टार्ट्स फॉर सूर्यवंशी, बुक योर टिकट्स एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हाउसफुल एवरीवेयर, बिकॉज इट्स अ सुपर ब्लॉकबस्टर। बस बॉक्स ऑफिस का किंग अक्षय कुमार एंड किंग ऑफ एक्शन रोहित शेट्टी। क्या बात है। इट्स अ श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर। इट्स अ श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर, सेज बॉबी जी। विल बी बैक ऑन द 24th of March टू रिव्यू सूर्यवंशी। टिल देन दिस इज सोनम सेइंग बाय-बाय।